الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھا کریں الصلاة يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریباً 20-25 دن پہلے ایک رافضی ذاکر نے اسلام آباد دے اندر ساڈے مرشد تاجدار صداقت شہر یار محبت مصطفیٰ دے وزیر اہل ایمان دے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی دا ارتکاب کیتا اور آپ نو نعوذ باللہ کافر کہن دی جرت کیتی پورے ملک وچ سچے اصحاب مصطفیٰ دے کھرے عاشق سڑکاں تے نکلے ریلیاں ہوئیاں محترم المقام عزت مآب جان اہل سنت شان اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب دامہ اقبالوہو وزلوہو آپ نے بھی اہل سنت و جماعت دے بزرگاں اور نوجواناں نوں نال لے کے بارگاہ تاجدار صداقت محبتاں دے تحفے پیش کیتے اور رافضیاں دے کن کھچے میں بھی اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے صحابہ دیاں عظمتاں تے شاناں سنانا چاہنا اور جنہاں نے سرکار دے اصحاب دی گستاخی کیتی انہاں دی گوش مالی کرنا چاہنا اور انہاں دے نال اظہار نفرت اور بیزاری دا اظہار کرن دا ارادہ لے کے آیا
मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों सहाबाए किराम दे ईमान ते एतराज करन वालियां नू सोचना चाहिए कि जे सहाबा दे ईमान ते शक करांगे ते असी केड़े खेत दियां मूलियां वा। सहाबाए किराम ते ओ अजीम शान ईमान वाले लोग ने जिन्हां दे ईमान दियां गवाहियां अल्लाह दे कुरान ने दित्तियां, बल्कि उन्हां दे ईमान नू बतौरे मिसाल पेश फरमाया। बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह। दौरान खुतबा जड़ी आया मुनव्वरा मैं तिलावत की है, उसी तो अपने मवाद का आगाज करन लगा। अल्लाह दा प्यारा कलाम पहला पारा सूरतुल बकारा आया नंबर 137। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फा इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ व इन तवल्लौ फा इन्नमा हुम फी शिकाकिन फसयकफीकहुमु अल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह इरशाद फरमांदा है, फा इन आमन पस अगर ओ ईमान ले आवन बी मिसली मा आमन तुम बिही ए मुस्तफा दियां जुल्फां दे ओ कह दियो ए मेरे प्यारे नबी दे प्यारे सहाबियो जिमें अल्लाह ते तुसी ईमान ले आए हो। इंज नहीं यार, सुन्नी मामा दे सुन्नी पुत्र बैठे हो, हाथ खड़े करके कहने सुभान अल्लाह। क्या बात है, सदके जावा अल्लाह मुस्तफा करीम दे गुलामा नु मुखातिब करके असहाबे मुस्तफा नु मुखातिब करके कहंदे जिवें तुसी ईमान ले आंदा है, अगर ए दायरा कुफर दे अंदर वसण वाले इस दायरे तो बाहर निकलण हलका इस्लाम नु अपने गले विच पाके मुस्तफा करीम दी बारगाह विच आके मेरे ते ईमान ले आना जान ते फिर इन्हां नु तुहाडी नकल करनी पएगी, इन्हां नू तुहाडी नकल करनी पएगी। जिवें तुसी ईमान लै आए हो इंज ए ईमान लै आवण ते मैं कायनात दा रब गवाही देना फकत दिह तदउ ए हिदायत पा जाणगे। अगर ए उंजे ईमान लै आवण जिवें तुसी ईमान ले आंदे फिर ए हिदायत दी राह दे राही बन जाणगे, अदरवाइज व इन तवल्लौ फ इन्नमा हुम फी शिकाक। अगर इन्हां ने रुख फेरन दी कोशिश कीती, रू गिरदानी करण दी कोशिश की थी, लोग मैं कायनात दा रब ऐलान पिया करना वा, अलल ऐलान पिया कहना वा, फिर इन्हां दी जिद होवेगी, इन्हां दी हट धर्मी होवेगी, ये हिदायत दे रस्ते दे राही ते मुसाफिर कदी नहीं बन सकणगे। अल्लाह फरमांदा प्यारे हबीब ते तू घबराई ना, फसा यकफी कहुमुल्लाह इन्हां दे मुकाबले च लजपाल महबूब तेनू तेरा लजपाल खुदा ही काफी है, तेनू तेरा अल्लाह ही काफी है, वो सुनन वाला भी है इल्म वाला भी है। मेरे दोस्तों इस कुरानी जुमले ते शानदार सेंटेंस ते शायद तुसी गौर नहीं कीता, अल्लाह फरमांदा मुस्तफा दे सहाबी जिवें ईमान ले आए ने, लोगो तुसी उंज ईमान ले आना है। वो गोया मैं कह सकना वा कुरान पाक ने मुस्तफा दे सहाबा नू पैमाना और ईमान दी कसौटी करार दे छड़िया है। अल्लाह फरमांदा तुहाडे ईमान नू असी सहाबा दे ईमान दी कसौटी और पैमाने ते रख के परखना है, अगर उंज दा ईमान ना होया ते पिछे हो जाओ, अगर उंज दा ईमान होया ते असी तुहानू कबूल कर लवांगे। इसी वास्ते मैं तर्जमा कीते, मैं लिखिए ईमान कमेयार है मेयार सहाबा, ईमान कमे यार है मेयार सहाबा, ईमान कमे यार है मेयार सहाबा। सारिया ने कहने ईमान कमे यार है मेयार, ईमान कमे यार है मेयार सहाबा, ईमान कमे यार है मेयार सहाबा, मे
यारे साहबा में यारे साहबा तू देख ले कुरान में किरदार साहबा तू देख ले कुरान में किरदार साहबा सबने कहने तू देख ले कुरान में किरदार मांगी जो दुआ रब से उम्र भेज दे मौला मांगी जो दुआ रब से उम्र भेज दे मौला मांगी जो दुआ रब से उम्र भेज दे मौला बस भेज दे मौला अब भेज दे मौला सरकार नजर आए तलबगार साहबा अल्लाह तुहाडे चेहरियां दी मुस्कुराहट नू सलामत रखे लफ्जां नाल लफ्ज़ मिलाओ ते मिलके जुबान नाल जुबान दिल नाल दिल दिमाग नाल दिमाग जोड़ो ते कहो तू देख ले कुरान में किरदार बासर कार नजर आए तलबगार साहबा बासर कार नजर आए तलबगार किबला ए मेरी लफाजी नहीं ए मेरे बनाए हुए मिसरे और शेरी नहीं बल्कि इना दे पसे मंजर विच इना दे बैकग्राउंड विच जड़ी हकीकत है मैं हकीकत पेश करन लगा सुनिए हदीस मुस्तफा जामे ओ तिरमिजी शरीफ दी हदीस नंबर 3683 पढ़न लगा अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فاصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاسلم او كما हुनेरे विच आमिना दलाल खाना काबा दी चौहत्ती दे करीब गिलाफे खाना काबा फड़के अल्लाह दी बारगाह विच मरूज करन लगे अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बी अबी जहल इब्न हिशाम औ बी उमर इब्न खताब ए अल्लाह तेनु तेरी करीमी दा वास्ता अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल इब्न हिशाम या फिर उमर बिन खताब इन्हां दोवां चो इक हदीस दे अल्फाज ने सरकार ने अर्ज किया दोवां चो जिहड़ा तेनु पसंद है ते रब नु कौन पसंद सी हुणे पता लग जांदा है अर्ज कीता मौला इन्हां दोवां चो जिहड़ा तेनु पसंद है ओनू मैं मुहम्मद दी झोली च पा दे तेरे दीने इस्लाम दीयां इज्जतां नु चार चन्न लग जाणगे ऊंची आवाज से किबला तवज्जो करना इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा मेरे ते तुहाडे करीम नबी ने दुआ मंगी जदों दिन चढ़िया सहाबीए रसूल कहंदे ने फअसबहा फगदा उमर अला रसूलिल्लाह फअसलामा और जदों सुबह दे उजाले नमूदार होए उमर इब्ने खताब ने आके सर मुस्तफा दियां जुतियां पाकां ते रख दित्ता कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ओए मक्के दे लोगां ने जश्न मनाया कहंदे ने मक्के विच इनकलाब आ गया जे इस्लाम दे दामन च उमर बिन खताब आ गया जे नहीं नहीं हुसैन दे करीम नाने दी दुआ दा जवाब आ गया जे मेहरबानी किबला को समझ आई है जिन्नू जिन्नू रात दे हुनेरे विच काबे दा गिलाफ फड़ के अल्लाह को आमिना दा लाल मंगे ओनू उमर इब्ने खताब किया जांदा है
सदके जावा मेरे दोस्तों नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी हदीस दे मुताबिक हजरत उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम दी इज्जत विच इजाफे दा सबब बने ने। उमर इब्ने खत्ताब आया है इस्लाम दे वेड़े विच इस्लाम दीयां इज्जतां विच इजाफा होया है। हजरात हुण इत्थे इह गल छड्ड के ओ जिन्नू काफिर कह के भगौड़ा दौड़े आए ना, अबू बकर सिद्दीक दी शान विच वी इक हदीस पाक पढ़ां ते गुफ्तगू नूं अगे लैके जावां। इमाम अजल इमाम अबू शुजा अद-दैलमी अलैहि रहमा दी अल मुस्नद अल फिरदौस अल इल्मिया बेरूत दा छापा कुल जिल्दा 6 जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 439 उत्ते फरमाने मुस्तफा मौजूद है जिहड़ा पढ़ के सुनावन लगा मदीने दियां गलियां दी सैर करावन लगा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه تاج الاسلام او كما قال امينه دلال نے بابا جی فرمایا ابو بکر صدیق اسلام دے مٹھے دا تاج اے تے تاج ہوندا اے عزت تانوں پتہ نہیں لگا میں کی کہی جانا تاج ہوندا اے عزت اے ٹوپی اے میرا تاج اے میری عزت اے اے پگڑی عزت اے سر دا صافا بندے دی عزت ہوندی جے حضرت ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے تاج اسلام فرمایا عمر ابن خطاب نو اسلام دی عزت وچ اضافے دا سبب اور باعث اور وجہ قرار دیتا صدقے جاواں ابو بکر وی اسلام دی عزت ہے اور عمر وی اسلام دی عزت ہے اسے واسطے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح او تو پاویں ہزاراں واری لوکاں نو گمراہ کر رہا جی انہاں دی ماں نے گھوڑے دے پیراں چ ڈگ کے منت مننی اے مسلماناں دا ملک ہے تیریاں رٹیاں رٹائیاں توتے ਵਰਗੋ ਟੈ ਟੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਅਲੈਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬੇ ਉਮਰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਨ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। हजरत मिस्टर मुहम्मद अली जिना कायदे आजम रहमतुल्ला अलैह ने मुस्कुरा के फरमाया सी चल ओए ओ जे इस्लाम दे दामन विचों अबू बकर ते उमर नु कढ़ दिता जाए ते दामन इस्लाम च पचदा की है। पुत्र को समझ आई है गल दी? हज़रत उमर इबने खत्ताब नू सरकार ने अल्लाह कोलों मंग के लिया, यानी उमर इबने खत्ताब सरकार दे मुरीद भी ने मुस्तफा दी मुराद भी ने। ताई ते फिर मैं लिखी है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने दुआ मंगी गोया सरकारे कायनात अल्लाह कोलों सहाबा तलब पे कर देने। ताई ते मैं कह रही हूँ मांगी जो दुआ रब से उमर भेज दे मौला, मांगी जो दुआ रब से उमर भेज दे मौला अब भेज दे मौला। सरकार नजर आए तलब गारे सहाबा तू देख ले कुरान में किरदा बात देख ले कुरान में किरदा तू देख ले कुरान में किरदार सहाबा में ईमान का मेयार है मेयार जो नूर दिया ला के मुहम्मद ने खुदा से जो नूर दिया ला के मुहम्मद ने खुदा से जो नूर दिया ला के मुहम्मद ने खुदा से
किरने हैं उसी नूर की अनवार सहाबा, किरने हैं उसी नूर की अनवार सहाबा। तू देख ले कुरान में किरदार, बेटे हुण नूर दी गल आई है ते सहाबा दे नूर दी गल करां, जरा तवज्जो ते प्यार नल हदीस समाज करना। मिश्कातुल मसाबीह दे अंदर किताबुल मनाकिब बाबू फी मनाकिब सहाबा दे अंदर हदीस पाक मौजूद है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन अहद मिन असहाबी यमूत बि अर्दिन इल्ला बुइस क़ाइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामह औ कमा का। आमिना दिलाल फरमांदे ने मामिन आहद मिन असहाबी, लोको मेरे सहाबा विचों कोई भी फर्द मेरा प्यारा सहाबी, कोई भी सहाबी किसी भी दर्जे दा किसी भी तबके दा सहाबी होवे, सरकार फरमांदे ने जमू तू भी अर्दिन जिस जमीन उत्ते वफात पाएगा उत्ते दफन होवेगा। कल कयामत दे दिन जदों उस खिते दे लोग कबरां विचों उठणगे, हुजूर फरमांदे ने बुई सका इदम नूर लहुम यौमल कियामा, कयामत दे दिन जदों मैदाने हशर वल्लो कबरां विचों निकल के जाणगे, ओ मेरा ओ सहाबी उस खिते दे लोगां वास्ते नूर भी होवेगा, रहनुमा भी होवेगा, कायद भी होवेगा, रोशनी भी होवेगा। ते फखरे बर्रे सगीर फखरे गुजरात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेरा अतुल मनाजी शरह मिश्कातुल मसाबीह दे अंदर बंब बंब जुमला लिख दिता। खुदा दी कसम वो कहंदे ने पता कियामत वाले दिन, इस हदीस तो मुराद की है पता कियामत वाले दिन की होना है, किसी भी खिते विच जिथे सहाबी की कबर होवेगी ना, जो कबर फटन गियां वा इदल कुबूर बुसिरत, लोग ईमान वाले अपनी कबरां चो बाहर आणगे, पिछे पिछे ईमान वाले होणगे, अगे अगे मुस्तफा दा वो सहाबी होवेगा। ये जुलूस इंजे ही अगे अगे सहाबी पिछे पिछे सरकारे कायनात दे दूजे उम्मती, ये जुलूस इंजे ही शान ते तुम तराक दे नाल मैदाने हशर विच रब ते खुदा दे प्यारे हबीब दे सामने पहुंचेगा। हुण जुमला सुनियो, महल्ला मुहम्मदपुरा दे गयूर सुन्नी मुसलमान पुत्रो ते मुरीदो ते बुजुर्गो ते दीगर महल्या ते पिंडा ते शहरां विचों आण वालियो, अल्लाह दा कुरान मुस्तफा दी हदीस दी चाहत लैके आण वालियो, इत्थे एक नुक्ता पेश करन लगा, जिन्हूं इह नुक्ता समझ आ गया उन्हूं सवा घंटे दी पुत्र शाने सहाबा दे उनवान ते सारी तकरीर समझ विच आ गई। सदके जावां हर सहाबी जिथे सुत्ता होवेगा, वैसे तो पाकिस्तान दे अंदर भी सहाबा दीयां कबरां ने, सहाबा रूम विच सुत्ते होए ने, सहाबा चीन विच सुत्ते होए ने, सहाबा ईरान ते इराक विच सुत्ते होए ने, सहाबा कूफे विच सुत्ते होए ने, अरब ते अफगानिस्तान ते अजम दे इलाकियां विच सुत्ते होए ने। हर सहाबी उठेगा, पिछे पिछे दूसरे ईमान वाले होंगे, ये सहाबी अपने सैक्टर दे ईमान वाले लोगों के मुस्तफा दे उम्मतियां दी क़यादत बन के उन्होंने वास्ते नूर बन के अगे अगे होवेगा। पुत्र जे गल समझ विच आए मुस्तफा दे सहाबा ते अहले बैत नाल वफा दा इजहार करन लगे, दोवें हाथ उठा के मदीने वल नूं मुंह करके अखां विच अथरू सजा के सरकार दे प्यारियां नाल प्यार दा इजहार दा मुजाहरा करना है। सदके जावां मैं इंज कवां ते चाहत दा इजहार करना जे हर सहाबी अपने सैक्टर ते अपने इलाके दे इमाम वालियां दा कायद बन के उठेगा। ओए अबू बकर सिद्दीक ते उमर फारूक ये ते मुस्तफा दे नाल सुत्ते ने, सरकार दे नाल उठणगे। बंदे समझे नहीं मेरी गल, हर सहाबी उस इलाके दियां ईमान वालियां दियां कबरां विचों निकलण वाले साहिबाने ईमान दे इमाम ते कायद होणगे, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ते उमर इबने खताबे ते सरकार दे नालों उठणगे, ते सरकार दे हुंदियां किबला कोई दूसरा कायद नहीं हो सकता, कोई दूजा रहनुमा नहीं हो सकता, फिर नक्शा किंज खिंचांगे, इहदी तत्बीक किंज होवेगी, जदों मदीने वाले साहिब
साहिबाने ईमान अपनी कबरां चो उठणगे। सारे मदीने आलियां दे कायद अबू बकर सिद्दीक ते उमर इबने खताब होणगे ते इन्हां दे बशमूल फिर सारी उम्मत दे सरदार इमाम ते कायद आमिना दे लाल होणगे। हुण नक्शा पेश करन लगा पुत्तर, जे मजा आवे ते फिर मोहब्बत दा इजहार करन तो बगैर ना उठ के जायो। हजरात पीछे पीछे सहाबाए किराम होणगे, अगे अगे अबू बकर उमर ते उन्हां तो अगे सारी कायनात दे कायद ते इमाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया हबीबे किबरिया आमिना दिलाल नबीए बा कमाल रसूले बे मिसाल होणगे। ते मैं नक्शा खिंचिए बारा दूल्हा जो है आला तो है बारात भी आला। जदों लाड़ा बन फब के वोटी लैण वास्ते निकलदा है ना घरों, जदों जाके कुड़ी आलियां दे घर टुकदा है, सोहना इंतजाम उत्थे नबी बख्श कीता हुंदा है। सारे बंदे प्यारे भतीजे भांजे यार बेली दोस्त वो थले कुर्सियां ते बहिंदे ने, विचों को दो तीन यार एडे दूल्हे दे पक्के ते गहरे यार हुंदे ने पुत्तर, उन्हां नूं दूल्हे दे नाल कुर्सियां डा दित्तियां जांदियां ने। ओए मुस्तफा दियो गुलामा दियो गुलामो बोलिया करो यार, उन्हां नूं दूल्हे दे नाल बिठा दिता जांदा है, वह अपने दूल्हे की रफाकत की नुमाइंदगी करन वास्ते लाड़े दे नाल बैठते ने। वह दसते ने साडा मरण जीन कट्ठा है लाड़े दे नाल। इसे तरह सरकार के सारे गुलाम कियामत के दिन हजूर दे पिछे ही होणगे, पर दो चार विचों गिने चुने नबी पाक दे नाल नाल होणगे। ऊंची आवाज से हजरत गिरामी दूल्हा जो है आला तो है बारात भी आला। दूल्हा जो है आला तो है बारात भी आला, बारात भी आला, बारात भी आला। सरकार है खुद काफिला सालार सहाबा, सरकार है खुद काफिला सालार सहाबा। तू देख ले कुरआन में किरदार, सारे ने कहने तू देख ले कुरआन में किरदार। ईमान कमे यार है मैं सदके जावा मेरे दोस्तों मेरे पुत्रों मेरे मुरीदों मेरे चाहन वालियों नबी पाक दे सच्चे सुच्चे गुलामो। सुथरी तबीयत दे मालिको आओ जरा सुथरियां गल्लां सुथरे हकीकत ते मबनी मोती समात करना ते चुन के अपनिया झोलियां विच पा के अपने नाले जरी ते कीमती ते नायाब मोती ते गुहर लैके जाना। सदके जावा नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दे सारे सहाबा शान वाले, पर इन दो सहाबियां दी की शान है जड़े मुस्तफा करीम दे पहलू विचों उठणगे। सदके जावा अमीर अबू बकर सिद्दीक और अमीर उमर इबने खताब दियां शाना अल्लाह अल्लाह। असी सारियां नूं मनण वाले हां, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं असी की मनने हां? मैं हुणे दसना वा, इन्हां दोवां नूं जिन्हां ने गाली दित्ती जिन्हां ने बुरा भला किया उन्हें किसी का कुछ नहीं विगाड़िया, अपना ईमान खराब कीता। मैं गल कोलो नहीं करके जावांगा, नबी पाक दी हदीस पढ़ांगा। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे यारां दी शान नबी पाक दे नवासे दी जुबान विच्चों समात करी जरा। हाफिज इब्ने असाकिर अलैहि रहमा दी तारीखु मदीना ते दमिश्क दारुल फिक्र बैरूत दा छापा कुल जिल्दा 80 जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 131 उत्ते फरमाने मुस्तफा मौजूद है। ए हदीस सैयद कौनैन दिए रिवायत इमाम हुसैन दिए अनिल हुसैन इब्नी अली जिन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा काल समियतु जद्दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम हुव यकूलु ला तसुब अबा बकरिम व उमर फइन्नहुमा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्लन नबियीन वल मुरसलीन वला तसुब
सुद्दुल हसन वल हुसैन अलैहिम अस्सलाम व रदियल्लाह तआला अन्हुमा फइन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत वला तसुब्बु अलियन करमल्लाहु वजहहु फइन्नहु मन सब्ब अलियन फकद सब्बनी व मन सब्बनी फकद सब्बल्लाह व मन सब्बल्लाह अदबहु अल्लाह औ कमा इमाम हुसैन लजपाल फातिमा तु जहरा दे लाल अली दे हैदरे कर अली हैदरे करार दे लाल ते फरजंदे पाक आप इरशाद फरमांदे ने मैं अपने नाना जी सरकार अल्लाह दे प्यारे हबीब नबियां दे शहनशाह कोलों समात कीता सरवरे कायनात ने इशारा फरमाया अबू बकर उमर वल फरमाया ला तसुब अबा बकर व उमरा लोगो कुछ भी करो पर कदी भी शेखैन करीमैन यानी अबू बकर इबने अबी कुहाफा ते उमर इबने खताब नु गाली न कड़े हो क्योंकि फइन्नहुमा सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नती मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबीजीन वल मुरसलीन फरमाया ए दोवें मेरे बुजुर्ग सहाबी पहलियां विच्चों भी ते आखरियां विच्चों भी नबियां ते रसूलां तो बाद सारे जन्नती बुजुर्गां दे सरदार होणगे फरमाया वला तसुब्बुल हसन वल हुसैन ओ लोगो होर कुछ भी करियो पर कदी भी हसनैन करीमैन मेरे बच्चियां नु गाली न कढ़ियो क्योंकि फइन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नती ए दोवें जन्नती नौजवानां दे सरदार ने हुण तुसी कहोगे असी तुहाडे कोलों कई मरतबा तिरमिजी दी हदीस मुबारक किताब सिफातिल जन्ना विच्चों समात कीती है तुसी आपे कहंदे हुंदे हो कि जन्नत विच ना कोई बच्चा होना है ते ना कोई बूढ़ा होना है जन्नत विच ते हुजूर दी हदीस दे मुताबिक तीयां तो तेतियां सालां दी चढ़दी जवानी होनी है फिर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे यारां दे ए जिहड़ा तुसी पे कह रहे हो कौल मुबारक सरकार दा के ए तमाम जन्नती शुयूख दे बुजुर्गां दे सरदार होणगे ते इमामे हसन ते इमामे हुसैन जन्नती नौजवानां दे सरदार होणगे इस हदीस दा की मतलब है तबीक केंज करोगे तकसीम ते वंड केंज करोगे मैं दसना पुत्र अहले इलम कहंदे ने जेड़े ईमान वाले इस दुनिया विच्चों ही जवानी दी हालत विच चले गए उन्हां दे सरदार हसनैन करीमैन होणगे ते जेड़े बूढ़े होके दुनिया छड़ के आखिरत वल सिधारे उन्हां दे सरदार शेखैन करीमैन अबू बकर उमर इबने खताब होणगे और रही नबियां ते रसूलां दी गल उन्हां दा बादशाह आमिना दा लाल होएगा क्या बात है तुहाडी मुस्तफा करीम दे नौकरों ते गुलामों मैं करोड़ा जाना होवण इक इक करके नबी पाक दे घर वालियां तो सरकार दे प्यारे सहाबा तो वार देवा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया हसनैन करीमैन नू गाली न कढ़णा है जन्नती नौजवानां दे सरदार ने असी सही मानियां विच बैठे पंज तन पाक दे वी गुलाम नबी दे सहाबा दे वी गुलाम पंज तन पाक दा ते सहाबा दा कोई मुकाबला नहीं उन्हां दा अपना रुतबा इन्हां दा अपना रुतबा ते कन खोल के सुनियां दा बरेलवियां दा अकीदा सुन लै मैं लिखिया है पंज तन को सलामी है मगर सुन ले मुन के पंज तन को सलामी है मगर सुन ले मुन के पंज तन को सलामी है मगर सुन ले ए मुल्के रहा सुन ले ए मुल्के सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार सहाबा सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार सहाबा अगर जुबान च ताकत अल्लाह ने रखी है अगर हिल सकती है नहीं हिल सकती तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी तकरीर जाने तो मैं जाना अगर हिला सकते हो तो हिलावो सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार सहाबा सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार
दसा कौन अबू बकर सिद्दीक जिदी बारगाह विच सारी दुनिया दुरूद भेजे उस नबी ने हजरत अबू बकर वास्ते अजीबो गरीब दुआ मंग दिती है। मैं गल कोलो नहीं करके जावांगा, इमाम मुत्तकी हिंदी अलैहि रहमा दी किताब मुस्तताब कंजुल उम्माल फी सुननिल अकवाली वल अफआल बैरूत दा छापा कुल जिल्दा 18 जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 757 हदीस दा नंबर 33684 के जावा मुस्तफा करीम अलैहि सलातु व सलाम ने एक दिहाड़े हाथ उठाए सहाबा दे भरे मजमे अंदर सरवरे कायनात ने अबू बकर सिद्दीक नु दुआ दिती अर्ज कीता अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी बकर फइन्नहु युहिब्बुका व युहिब्बु रसूलका। ए अल्लाह ए अबू बकर सिद्दीक तेरे नल भी प्यार करदा है, तेरे प्यारे रसूल में मुस्तफा आमिना दिलाल नल भी प्यार करदा है। अगो रहमता ने मुस्कुरा के आखिया होगा प्यारे हबीब कहना की जाना है, ते सरकार ने गल ही मुका दी अर्ज कीता मौला ए मेरा अबू बकर है तेरा अबू बकर है तेरे नल भी प्यार करदा है मेरे नल भी प्यार करदा है। हाँ प्यारे हबीब की मुतालबा है तेरा, अर्ज कीता अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी बकर मौला तू अबू बकर सिद्दीक ते अपनी शान दे मुताबिक दुरूद भेज। पंज तन को सलामी है मगर सुन ले मुन के रहा सुन ले मुन के सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार सहाबा सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार सहाबा सिद्दीक को हम कहते हैं जड़े बोल पाए हो तुहाड़ी मेहरबानी ते जड़े हजे तक नहीं बोले तुहाड़ी डबल मेहरबानी भी तुहाड़ी के हम कहते हैं सरदार रे सहाबा सिद्दीक को हम सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार। मौला जड़ा आवाज नु दुगना लेवल करके पढ़े अज रात ईशा दी नमाज बा जमात पढ़ के सोवे ख्वाब च मदीने वालियां सरकारां दा दीदार हो जाए। जड़ा तीन गुणा आवाज करके मेरे नाल अबू बकर सिद्दीक दी शान अजमत पढ़े मौला जदों रात नु सोवे मदीने वाले माही दा भी दीदार हो जाए नाल अबू बकर सिद्दीक दियां भी ज़ियारतां हो जावे। सिद्दीक को हम कहते हैं सरदार रे सहाबा सिद्दीक को हम ओ मेरे पुत्रो तुहाडी बड़ी मेहरबानी बहुत सोहणे लगे हो। सिद्दीक को हम कहते हैं सर गिण के तीन मरतबा मिसरा कहने सिद्दीक को हम सिद्दीक को हम कहते हैं सिद्दीक को हम सदके जावा। बहुत मेहरबानी मेरे पुत्रो हदीसे मुबारक मुकम्मल करना चाहवांगा। नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम इरशाद फरमा देने वाला तसुबु अली जन अली शेरे खुदा नु कदी गाली न कड़ियो फइन्नहु मन सब्बा अली जन फकद सब्बानी जिन्ने अली नु गाली दिती उन्हें मैं नबी नु गाली दिती व मन सब्बानी जिन्ने मैं नबी नु गाली दिती फकद सब्बल्लाह उन्हें अल्लाह नु गाली दिती। ओ लोगो मन सब्बल्लाह अज़बहु अल्लाह ते जिन्ने अल्लाह नु गाली दिती अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त जी अल्लाह उन्हें अजाब देवेगा। बल्कि हजराती ते मौला अली मेरे दादा जी सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम नु गाली देने दी बाबत सरवरे कायनात दा इरशाद सुनिया जे हुण मुतलकन सहाबा दे बारे विच इरशाद सुनना। अल्लामा इब्ने तैमिया दी किताब असारी मुल मसलूल अला शादी मिर रसूल दे अंदर मौजूद है। मेरिया सरकारा ने फरमाया मन सब
असहाबी फकद सबनी वमन सबनी फकद सबल्लाह। लोको जिन्हें मेरे सहाबा नु गाली दिती उन्हें मैं मुस्तफा करीम नु गाली दिती, जिन्हें मैनू गाली दिती उन्हें अल्लाह नु गाली दिती। सदके जावा मेरे दोस्त असी सहाबा दे ताबेदार। इमरान नजीर कादरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं तुहाडी जुबान चो एक नारा सुनना चाहना ऐस शेर ते, ऐस शेर ते तुहाडी जुबान चो नारा। अल्लाह तुहाडे पूरे पिंड की खैर फरमाए। तवज्जो नाल सुनियो जरा। ऐ जिस कमीने बेगैरत नाम निहाद जाकिर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ते कुफर दा फतवा लाया ते फिर दौड़ गया, कहंदा सी हम करार के मानने वाले हैं। ओए हजे ते अद्धे क सुन्नी बार सड़कां ते निकले ते तेरियां दुड़कां लग गईयां ते इंग्लैंड जाके लंदन जाके लुक गया है। ओए हजे ते सुन्नी मामा दे सारे सुन्नी पुत्र बाहर नहीं निकले। सदके जावा तू हजरत अबू बकर सिद्दीक नु काफिर के आए और तेरी नानी तेनू याद ना कराई और सानू सुन्नी मां दा सुन्नी पुत्र किन्ने कहना है। ते मैं लिखी आए अब सर पे कफन बांध के उठे हैं जो सुन्नी, अब सर पे कफन बांध के उठे हैं जो सुन्नी, अब सर पे कफन बांध के उठे हैं जो सुन्नी, उठे हैं जो सुन्नी। जाता है कहाँ भाग के गतारे सहाबा, बहुत शुक्रिया। तवज्जो ते प्यार नल समाप्त करना जरा। हुण सुनिया ने सिर ते कफन बनने ने बाहर आए ने ते नस क्यों गया है, एडे लंबे लंबे दावे करना से रोक ते सही। नानी ना याद कराई ते सानू सुन्नी किन्ने गहने। सदके जावा मेरे दोस्तों असी नबी पाक दे सहाबा दे भी ताबेदार, हजूर दे पंजतन पाक हजूर दे घर वालियां दे भी हुबदार। मैं करोड़ा जाना निसार करा सरकार दे घर वालियां ते दरवाल लिया ते। ओ मैं कुर्बान जावा मेरे मुस्तफा दी नौकरो ते गुलामो। हजरत उस्मान गनी नू एक बंदे ने गाली दिती, जनाब उमर इब्ने अब्दुल अजीज दा दौर सी, इसी किताब जिहदे विच हुण हदीस पढ़ के सुनाई है। अल्लामा इब्ने तैमिया दी इसी किताब अंदर असारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल दे अंदर मौजूद है। खलीफा दे कुल पकड़ के इस गुस्ताखे सहाबा नू पेश कीता गया। आपने फरमाया इनू लम्या पावो, पहले उन्हें तौबा दी मोहलत दी। उन्हें आख्या मैं तौबा नहीं करनी, मैं उस्मान इब्ने अफान नाल नफरत करना। खलीफा वक्त ने फरमाया इन्हू लम्या पावो, ती घोड़े मारो, ती छित्तर मारो। किबला ती घोड़े मरवाए। कादरी साहब फिर मैं कह सकना कि इस रिवायत विच्चों तीन चीजा मिलिया, किनिया? सारे बंदे बोल दियो। मलक साहब हाथ खड़ा करके तीन का इशारा किया, जे क्या बात है तुहाडी, अल्लाह तुहाडे हाथ नू सलामत रखे। किन्नियां चीज़ां पता चलियां? बितरतीब मेरी समझ बूझ दे मुताबिक मैं अर्ज कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गल तो यह पता लगा कि गुस्ताखे सहाबा रियायत के काबिल नहीं हुंदा, लम्या पाण दे काबिल हुंदा है। इस तो हौली भी बोल पाओ तो कोई गल नहीं, गुजारा चल जाएगा। गुस्ताखे सहाबा किसी कंसेशन दे काबिल नहीं हुंदा। नबी दे घर वालियां दा, नबी दे सहाबा दा गुस्ताख लम्या पाण दे काबिल हुंदा है। और उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने ती छित्तर ती कोड़े मरवा के दसिया सहाबा दा गुस्ताख दलीला नहीं दे दियां, छित्तर फेरी देने। गुस्ताखे सहाबा नू, गुस्ताखे अहले बैत पैगंबर नू दलीला नहीं दे दियां, छित्तर फेरी देने। और तीसरी चीज ये पता चली, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हद जारी की, इनू सजा सुनाई और अपनी निगरानी विच इनू छित्तर मरवाए, कोड़े मरवाए। पता चलिया
मुसलमान मुल्क दी हकूमत दे जिम्मे हुंदा है गुस्ताखे अहले बैत और गुस्ताखे सहाबा नू गुस्ताखे रसूल नू नथ पाना। जदों गवर्नमेंट इकदाम न करे और बर वक्त जदों गवर्नमेंट सद्दे बाब न करे फिर जाहरी बात ईमान वालियां दे दिल दुखे हुंदे ने फिर गाजी उठदे ने फिर मुस्तफा दियां जुल्फां दे कैदी उठदे ने फिर कदी लाहौर च अदालत लग जाती है चौराहे हैं ते कदी पेशावर दी अदालत विच इश्क दी अदालत गाजी ला लैंदा है ते कदी कोहसार मार्केट च अदालत इश्क लग जाती है। मेरे पुत्रो तवज्जो ते प्यार नाल समाअत करना सी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारे सहाबा दे वी मानियां नबी पाक अलैहिस्सलाम दे पंज तन पाक घराने वालियां दे वी मानियां मैं करोड़ा जाना तो निसार जावां ते जिन्हां ने इन्हां दी गुस्ताखी कीती उन्हां दा की बनिया ते जिन्हां ने इन्हां दे लजपालां दे कदमां विच अपनी हर शै रख दित्ती उन्हां नूं जज़ावां की मिलियां मैं हुणे दस के जाना ऐ जिहड़ी हकायत पेश करन लगा इंशा अल्लाह इबरत दा समान वी साबित होवेगी और ईमान नूं जिला बख्शण दा जरिया भी बनेगी। इमाम अजल दसवीं ते नौवीं सदी हिजरी दे बहुत बड़े इमाम अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन बिन अली शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा अरबी जबान दा बैरूत विच्चों 40 सफ़ात ते मबनी छपिया होया किताब चा फैजुल जूद पेज नंबर 28+29 ते गल लिखी हुई है। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना पीर सूफी बुजुर्ग जिन्हों का नाम है शेख इबने ज़ैब यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा वाकिया लिखिया होया है और जनाब अब्दुल्ला बिन असद याफ़ई अलैहि रहमा दी किसी किताब दे हवाले नल ए इमाम मौसूफ ने नकल किया ते कहंदे ने कि उन्हां दे दौर विच बड़ी शोहरत सी बकौल उन्हां दे इस वाके दी और इहदियां सनदां भी सारियां सच्चियां ते पक्कियां ने ते खरियां ने। कहंदे ने शेख यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज वास्ते एक साल गए जदों हज कर लिया हज करके मदीना शरीफ दा रुख कीता ताकि हज नूं कबूल करवा लईए हज करके हज उत्ते कबूलीयत दी मोहर लगवाण वास्ते मदीना शरीफ दा रुख कीता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मजारे पुर अनवार ते आ गए दरबारे गुहरबारी च आ गए आके 70,000 फरिश्तियां दी मैयत ते सोहबत विच नबी पाक दी बारगाह च हदीया दुरूद पेश कीता हदीया सलाम पेश कीता। मैं गल कोलो नी पिया करदा हदीस दसदी ए मिशकात शरीफ दी नबी पाक दे मजारे अकदस दे उत्ते 70,000 नूरी फरिश्ते दिने आउंदे ने 70,000 नूरी फरिश्ते शामी आउंदे ने ते मैनू फिर कहण दे वो फरिश्तियां दी सोहबत अंदर जनाबे हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जदों हदीया दुरूद व सलाम पेश कीता दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद यमन विच्चों जड़ियां लिख के ले आए सन सरकार दियां नातां पढ़ियां नाते मुस्तफा पढ़न तो बाद फिर हजरत अबू बकर ते उमर दे कसीदे पढ़ ले विच इक बुड्ढा राफजी खलोता होया सी उन्हों लग आग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक ते उमर अल फारूक इबने खताब दे कसायद सुन के इन्हों लग आग गई दौड़ के आया ते अकीदत दा झूठा इजहार करके शेख यमनी दे हाथ चुम के कहंदा किबला बाबा जी सरकार ए करीब कुछ महल्ले छोड़ के मेरा घर है मैं तुहाडी दावत करना चाहना रोटी खिलाना चाहना मेरे नाल चलो। हजरत शेख यमनी नू सरकार दी सुन्नत और हदीस याद आ गई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान दा दूसरे मुसलमान उत्ते हक है कि जदों ओ खान दी दावत पेश करे ते ओदी दावत नूं कबूल कर लिया जाए। हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी अलैहि रहमा ने ओदी दावत ते ताम कबूल कर ली लेकिन हुवल्ला यालमु हाल ओ जानदे नहीं सन कि इस बंदे ने क्यों बुलाया है ये बंदा
इन्ना दे खिलाफ बुरियां गल्लां सोच रही है और इन्ना नूं नुकसान पहुंचाण दे डर ते वे हजरत शेख यमनी दे पिछे पिछे टुर पे एक महल्ले विच पहुंचिया एक आलीशान मकान विच लै गया। मकान दे अंदर दाखिल होए इस बुड्ढे राफिजी दी एदी नजर उठी ते इन्हें वेखिया एदे दो गुलाम हबशी अंदरों आए। इन्हें इशारा कीता इस बाबे नूं फड़ लवो। हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी अलैहि रहमानु दोवें हबशी तगड़े गुलामां ने फड़ लिया। इस बूढ़े राफजी ने छुरी मंगवाई मुंह खोल के शेख यमनी दा दोवां उंगलियां दे नाल जुबान पकड़ के तेज धार छुरी दी उत्ते रख के कहंदा है इस जुबान विच मुस्तफा दे सामने सरकार दे रोजे ते हुजूर दे मजारे उनपुर अनवार ते अबू बकर ते उमर दियां शाना बयान करके आया है ना ऐ मैं जुबान तेरी कट्टन लगा वा या फिर तौबा करके अबू बकर ते उमर दियां शाना नहीं पढ़ांगा। हजरत शेख यमनी हस के कहंदे ने जुबान कटवानी मंजूर है मुहम्मद दे सहाबा नाल गद्दारी मंजूर नहीं। जुबान कट्टी जाए ते मेरी बला नल कट्टी जाए कोई गम नहीं कोई मलाल नहीं पर मैं मुस्तफा दे यारा शेखैन करी मैं दे कसीदे पढ़न तो बाज नहीं आना। उन्हें आखिया लै फिर तैयार हो जा। उन्हें छुरी रख के पूरी कुव्वत नल फेर दिती जुबान दा अद्धा टुकड़ा मुंह विच अद्धा टुकड़ा बाहर आ गया। हाथ ते तली ते रख के कहंदा लै जिन्हां दे कसीदे पिया पढ़ना से उन्हां नूं कह दे तेरी जुबान जोड़ दे। हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी अलैहि रहमानी अपनी जुबान दा कटिया होया खून आलूद टुकड़ा गोश्त दा पारचा रखिया अपने हाथ दी तली उत्ते रोंदियां रोंदियां दर्द नल कराहंदियां कराहंदियां अपनी रिहाइश दा रुख कीता। रात नूं इशा दी नमाज पढ़ के जदों चार पाई ते लेटे दर्द नल जल्दी नींद आ गई। दर्द दी दवा करन वास्ते आमीना दे लाल आ गए। तकदीरां दे दरवाजे खुले आमीना दे लाल आए। नाल अबू बकर सिद्दीक भी ने उमर फारूक भी ने उस्मान ज़ुन्नूरैन भी ने मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा भी ने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने आके प्यार नल शफकत नल सिर और दाढ़ी दियां वालां विच हाथ फेरिया। फरमाया साडा आशिक है साडे सहाबा नल प्यार करन वाला है। ऐ यमनी आशिक उठना सानू दस उस बुढ़े राफिजी ने साडे यार अबू बकर ते उमर दे बारे च की पैगाम दिता है। कदमां विच डिग के पापोश मुबारक नूं चुम के शेख इबने ज़ैब रो के कहंदे दे लज पाला तुसी अली मुंबिजा ते सुदूर रब दे महबूब अल्लाह दे दिते इलम नल सारा कुछ जान दे ओ लज पालो तुहानू पता ही है उस कमीने ने मेरी जुबान कट के तली ते रख के आखिया जे अबू बकर उमर दे कसीदे पढ़ना है जा उन्हां नूं कह दे मेरी जुबान जोड़ देन। नबी पाक जलाल विच आ गए ओदी कट्टी हुई जुबान शेख यमनी दी कट्टी हुई जुबान तली तो उठाई खाद विच फरमाया उस बुड्ढे बदबख्त ने की समझिया कि अबू बकर उमर लावारिस ने वो इन्ना दियां कमरां ते इन्ना दियां पुश्तां ते हुसैन दे नाना अब्बा दा हाथ भी है ना। हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी कट्टी हुई जुबान जुबान दा खून आलूद टुकड़ा दौराने ख्वाब सरवरे कायनात ने पकड़िया ते मुंह खोल के अपनियां मुबारक उंगलियां दे नाल जुबान दा कटिया होया टुकड़ा दूसरे मुंह विच मौजूद पूरी दा टुकड़े दे नाल मिलाया। आमीना दा लाल जड़ा उंगली चुके ते चन तोड़े उंगली चुके ते चन जोड़े
ओए जुबान जोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अल्लाह दे फजल ते हुक्म ते तौफीक दे नाल आमिना दे लाल ने मौजजा दिखाया, जुबान जुड़ गई। हजरत जनाबे सय्यदुना यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे पसीने विच शराबूर, जल्दी नाल उठ के इधर उधर वेखिया, मैं हुणे सरकार दी कचहरी विच सां, हुण ते मैं अपने कमरे ते अपने बिस्तर दे उत्ते मौजूद हाँ। इधर उधर वेखिया, कुछ ख्याल आया ते जल्दी नाल अपने होंठ खोले, जुबान पकड़ी ते जुबान अपनी जगह ते सही और सालम मौजूद। कुरान दी तिलावत करके वेखी, मुस्तफा दियां नाता पढ़ के वेखिया, जुबान दा टुकड़ा भी ठीक है, जुबान दी आवाज भी दुरुस्त है। ऊंची आवाज से या हजरत शेख इबन ज़ैब यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहंदे ने, मेरियां खुशियां दा ठिकाना ना रहा, मैं आखिया वा लजपाला तेरे यारां नाल प्यार दा बदला खूब मोड़िया है। कहंदे ने मैं अपने सारे काम अंजाम दिते ते अपने वतन वापस आ गया। फिर एक साल गुजर गया, साल गुजरन तो बाद फिर हज दा मौसम आया, फिर अखां विच्चों सावन भादों की तरह आशिकां दे नीर वगने शुरू हो गए। फिर मुस्तफा दे मदीने खुदा बंदे अजीम दे घर बैतुल्ला शरीफ दियां यादां ने आशिकां नूं घेर लिया। मैं भी हज करन वास्ते चला गया, जदों हज कर लिया, हज वास्ते मक्के विच मौजूद सां, हज मुकम्मल होया, तकमील तो बाद तस्दीक दी मोहर लवाण वास्ते मदीना शरीफ दा रुख कीता। कहंदे ने जदों मदीना शरीफ पहुंचिया, पुत्र जिन्हां ने मेरी एह पढ़ी हुई हकायत पूरी गौर नाल सुनी है ना किबला, हुण इस जुमले ते उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट जरूर रक्स करेगी। जिहड़े बंदे दे चेहरे ते मुस्कुराहट ना आई, मैं समझांगा उन्हें मेरी ध्यान नाल ए पढ़ी हुई हकायत सारी उन्हें सुनी भी नहीं, उन्हें समझ विच भी नहीं आई, उहदे सिर तो टप गई। सदके जावां शेख यमनी फिर सरकार दे रोज़े पाक ते पहुंचे, दुरूद सलाम पेश कीता, अबू बकर दियां शाना पढ़िया, उमर दियां शाना पढ़िया, मजमे च एक नौजवान निकल के हाथ पढ़ के कहंदे, बाबे मैं तुहाडी दावत कीती है, रोटी खान नहीं चल दे, तुहाडी मुस्कुराहट दस रही है कि तुसी गल नूं समझ गए हो। शेख इबने ज़ैब यमनी कहन लगे दिल विच, ओहो पिछले साल भी एक बुढ़े बाबे ने दावत की थी सी, जुबान कट ली सी, अज ए नौजवान दावत पिया कर दे, किधरे फिर जुबान ना कट लवे। हुण मैं जुमला सुनान लगा वा, आशिकां दे सीनियां ते सट मारन लगा। हजरत शेख इबने ज़ैब यमनी रहीमहुल्ला सोचदे ने, अच्छा जे जुबान कट्टी गई ते फिर की होया, कि पिछली बारी कट्टी गई सी ते आ गई ना, ऐतकी कट्टी गई ते इंशाल्लाह फिर आ जाएगी, जे साइयां ने पिछली बारी कंड नहीं लगन दिती, हुसैन दा नाना कंड इस बारी भी लगन नहीं। क्या बात है, मरहबा मरहबा, तुहाडे ज़ौके सलीम नूं क्या बात है, शुक्रिया अदा करना तुहाडे ज़ौके सलीम दा। सदके जावां आमिना दे लाल ने जे पिछले साल कंड लगन नहीं दिती, इस बारी भी सरकार मेरी पुश्त पनाही जरूर करनगे, मेरी कंड नहीं लगन देनगे। हजरत शेख यमनी रहमतुल्लाह ताला कुछ सोच के उस नौजवान की दावत कबूल करके उदे पिछे पिछे तुर पए, ते बंदा नौजवान अगे अगे ते बाबा जी यमनी सरकार पिछे पिछे, ते हाजी साहब करदियां मदीना शरीफ दे उसे महल्ले च मुंडा लै गया जिथे पिछले साल बाबा लैके गया सी। इधर उधर वेखिया ते जूमाना जी मुस्कुराहट चेहरे ते आ गई, लगदा अज फिर खैर नहीं, ए ती ओ ही मल्ला है ते ओ मुंडा रुकदियां रुकांदियां उसे मकान दे बूहे ते लै आया। सोचिया ए ते मकान भी ओ होई है, ए कोठी ए बंगला भी ओ होई है। मुंडे ने दरवाजे ते हुक्म दिता, नौकरा ने दरवाजा खोलिया, हाथ पकड़ के बाबा यमनी नूं अंदर लै गया। लेकिन अज खिलाफे तवक्को इस बच्चे ने बड़ा ही इंतजाम किया, भांत दियां गिजावां दस्तरखान ते सजाइया ने, हर किस्म दी अनवाओ अकसाम दियां चीजां ते डिशेज मौजूद ने। तवज्जो करियो, ए सत चक तो जिहड़े बच्चे जुमा पढ़न आए हो, रिजल्ट आउट करन लगा पुत्तर, अपने पिंड तक धमाला पांदे जाओगे शरीयत पाक दे मुताबिक। सदके जावां अबू बकर उमर दे गुलामो, तुहाडियां तकदीरां नूं सलाम मुहब्बत पेश करन लगा वा। हजरत जनाबे शेख इबने ज़ैब यमनी रहीमहुल्ला आप नूं खाना वाणा खिलाया, मशरूबात ठंडे मीठे यख शरबत पिलाए, जदों दुआए खैर बरकत हो गई, हाथ पकड़
फड़ के कहंदा शेख एक छोटी जी अर्ज है मेरे नाल आओ कुछ भी खाना चाहना। पीछे पीछे तुर पे मकान दे आखरी कमरे विच लै गया। जो कमरे का दरवाजा खुलिया तो आप हैरान रह गए। वेखिया संगलियां ते जंजीरा पाके एक बंदर बनिया होया। मैं गल कोला नहीं पिया करदा यार, लोकां दी किसे गल च कोई हवाला नहीं हुंदा। मैं हवाला पहले दिता है, गल बाद विच फैजुल जूद नामी किताब चा सफा नंबर 28 और 29 उत्ते है गल मौजूद। किबला इंजे जिवें मैं सुनाई है, अगर ना होवे गरेबान मेरा ते हाथ तुहाडे। सदके जावां जो चोर दी सजा ज़हीर शाह हाशमी दी सजा। सदके जावां हजरत अबू बकर उमर दे ओ नौकर जनाब शेख इब्ने ज़ैब यमनी अलैहि रहमान ने वेखिया वह बंदर अपना चेहरा पिया नोचद। तुहानू पता ही नहीं मैं की कही जाना। अपना सीना पिया नोचद, अपने आप नू पिया मारद। सुनियो तुहानू किवें समझावां मैं की कहना चाहना वा। मैं फिरका वारीयत नू हवा नहीं दे रहा। खलील पुत्र है बंदर पर अपने आप नू पिया नोचद, है बंदर पर अपने आप नू पिया नोचद। वह जिन्ना ने अबू बकर उमर नाल गद्दारियां कीतियां रब फरमांदा पिछे पिछे हो जाओ, तुहानू असी ज़हमत ही नहीं देनी। सीने भी इन्हां दे, हाथ भी इन्हां दे, ऐसी सजा देवांगे ना कोई परचा ना कोई अदालत ना कोई वकील ना कोई जज ना किसे थानेदार नू ज़हमत। अबू बकर उमर दे दुश्मना नू उन्हां दे हथीं जुतियां पवावांगे। है बंदर अपने आप ते जुलम पिया करदा है ते खुलना चाहुंदा है, नसदा है दरवाजे विच कंधां विच वजदा है। हजरत शेख यमनी कहंदे ने पुत्र मैं समझिया नहीं तू की कहना चाहना है। बंदर इन्हू संगलियां नाल क्यों बनी है, आजाद क्यों नहीं करदा। रो के बच्चा कहंदे किबला तुसी पहचानिया नहीं, ए अज बंदर है पिछले साल बंदर नहीं सी, ए मेरा बाप आना वाला तू हो। मैं इस बदनसीब बाप दा बेटा वा, ए ओही बंदा है मेरा बाप जिन्ने बुढ़े ने तुहाडी जुबान कट लई सी। अल्लाह ने इन्हू दुनिया विच निशाने इबरत बनाया ते मेरे वास्ते समान नसीहत मुहैया कीता। मैं अपने बाप दा एक गंदा अंजाम वेख के अबू बकर उमर की गुस्ताखी तो तायब हो गया वा। हुण जदों भी मैं मदीने वल नू मुंह करके आमिना दे लाल हसनैन करीमैन बीबी फातिमा दे उत्ते जदों दरूद भेजना वा, नाल अबू बकर उमर ते भी रहमत दियां बरसातां करना वा। मैं अबू बकर उमर वास्ते भी रहमत दी दुआ दे फूल निछावर करना वा, उन्हां वास्ते दुआवां दे फूल इरसाल करना वा। हजरात गिरामी डोंट माइंड, मैं हजे तक किसी का नाम तो नहीं लिया, मैं किसी बेहया नू बेहया तो नहीं किया, मैं सिर्फ कुरानो हदीस विचों दसना चाहना। अबू बकर उमर दा गुस्ताख काबिले मजम्मत भी है काबिले मुरम्मत भी है। ते नाले भाइया जिहड़ा बंदा सरकार दे घर वालियां दा हजूर दियां बेटियां बेटियां दा हजूर दे नवासियां दा नबी पाक दे वीर मौला अली दा सरकार दे सहाबा दा गुस्ताख होवे, उहनू को 2 मीटर परे होके खलो, तेरा साडा लिंक की है, तेरा साडा ताल्लुक कोई नहीं। असी ते हजूर दे दर वाले ते घर वाले सारियां दे मानियां ते मैं तर्जमा कीता मसलक है जुदा उसका करे उनके जो शिकवे। मसलक है जुदा उसका करे उनके जो शिकवे, मसलक है जुदा उसका करे उनके जो शिकवे, हाँ उनके जो शिकवे। सुन्नी तो हमेशा से है हुबदार सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान आले मुस्तफा, शान आले मुस्तफा, शान मौला अली सरकार, शान हैदर करार।
सरकार शाने अबू बकर सिद्दीक शाने सहाबा सुन्नी तो हमें शाह से है हुबदार साहबा तू देख ले कुरान में किरदार साहबा तू देख ले कुरान में किरदार तू देख ले कुरान में किरदार जावा मेरे दोस्तों मैं अपनी तकरीर नु इख्तिताम नल हम किनार करना चाहना आखिरी हदीस मुबारक अगले जुमातुल मुबारक वक्त तशरीफ ले आना इंशाल्लाह इसी उनवान ते फिर अगलियां सोनिया ते सुथरियां गल्लां इबरत नाक गल्लां पेश करांगे आखिरी हदीस मुबारक समाअत करना इमाम बगदादी खतीब बगदादी अलैहिर रहमा दी किताब मुस्तताब तारीख बगदाद मकतबतुल अरबिया बगदाद दा छापा जिल्द नंबर 8 सवा नंबर 144 मेरे मुस्तफा दा फरमान अन अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अनहु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ला तसुब असहाबी फइन्नहु यजीउ फी आखिर जमान कौम यसुबून असहाबी फइम्मरिदु फला तऊदूहुम व इम्मा तू फला तशहदूहुम फला तुनाकिहुहुम फला तुवारिसुहुम वला तुसल्लिमु अलैहिम वला तुसल्लु अलैहिम औ कमा का जिस नाम निहाद जाकिर ने हजरत बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी मोहब्बत और प्यार दी आड़ लैके हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हमला कीता है मैं उस बेहया नु सुनाना चाहना सुनियो कदों जागोगे तवज्जो नाल सुनना जरा नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया लोगो ला तसब असहाबी मेरे सहाबा नु गाली न कढ़ियो मेरे सहाबा नु गाली न कढ़ियो हुजूर गैब दान रसूल खुदा ने इशारा कीता फरमाया फइन्नहु यजीउ फी आखिर जमान कौम लोगो कुरबे कियामत विच आखिरी जमाने विच जो मैदान हशर बपा होना करीब करीब होगा एक ऐसी कौम आएगी ओ लोग यसुबूना असहाबी मेरे सहाबा नु गाली कढ़णगे किबला मैं किसी अकीदे का नाम नहीं लै रहा मैं किसी मसलक का नाम लैके हिट नहीं कर रहा मैं सरकार की हदीस पढ़ रहा मैं अपने वतन अजीज इस्लामी जमहूरी या पाकिस्तान के अमन नु अपनी जान तो वध के अजीज और महबूब रखना वा असी सुन्नी बरेलवी लोग असी इस पाकिस्तान वास्ते जान दे सकने एदे अमन तो अपना तन मन धन सारा कुछ कुर्बान कर सकने साडियां इज्जतां इस देश की पाक मिट्टी के सबब नाल ने ओ तो कमीना है जाकिर नाम निहाद जाकिर जेड़ा मुल्क विच आग ला के चला गया इंशाल्लाह सुन्नी हमेशा तो इस मुल्क के खैर खा रहे ने ते खैर खा रहेंगे मैं अनारकी फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा मैं फिरका वारियत नू हवा देन की कोशिश नहीं कर रहा सुनियो मैं आईना हदीसे मुस्तफा रख रहा वा आओ अपनियां शक्लां वेखिए ते इबरत हासिल करिए सरकार फरमांदे ने कुरबे कियामत विच कौम आएगी और लोग मेरे सहाबा नू गंदियां गालां कढ़णगे सरकार फिर साडे वास्ते की हुक्म होवेगा हुजूर फरमांदे ने फइमरिदू फला तशहदूहुम अगर ओ सहाबा दे गुस्ताख बीमार हो जावण इयादत लई नहीं जे जाना गल समझ आ रही है तुहानू अगर सहाबा नू गाली कढ़न वाला बंदा बीमार हो जाए तो भावें कुछ भी लगता होवे उहदे कारो दी इयादत वास्ते नहीं जाना जिहड़ा नबी गैर मुसलिमां दी तीमारदारी दा हुक्म दे रहा है वो ही नबी मना कर रहा है पता चलिया अबू बकरो उमर दा गुस्ताख काफिरां नालों भी सरकार दी नज़र च भैड़ा है सरकार ताई ते मना पे करदे ने फरमाया उन्हां दी इयादत उन्हां दी तीमारदारी तो मैं तुहानू रोक रहा ना करियो हुजूर बस फरमाया नहीं वा इम्मा तू फला
ला तशहद ओ सुन्नी मावा दी ओ सुन्नी पुत्रो पहचानो अपने मल्लेदार अपने रिश्तेदार अपने पिंड दे लोग अनारकी ना फैलाओ फिरका वारियत ना फैलाओ लेकिन जेड़ा बंदा अबू बकर उमर दे शिकवे करे उनको परे दूर हो असी अपने नबी दे गुलाम असी नबी दी हदीस ते अमल कीता है सरकार फरमान देने वा इम्मा तू फला तशहदूहम अगर ओ मर भी जावन उन्हां दे जनाजे च ना जायो उन्हां दीआं फूड़ियां ते ना जायो भज भज के अगे हो के जनाजे नूं कंधा देण दी कोशिश ना करियो ओ जेड़ा मुहम्मद दे सहाबा दा कुछ नहीं लगदा मुहम्मद दे गुलामां दा की लगदा है मुस्तफा दे पहले उम्मतियां दा जड़ा कुछ नहीं लगदा वो बाद वाले उम्मतियां दा की लगदा है हुजूर फरमांदे ने वला तुना की हुम ना अपनियां बच्चियां ओना नल वियाओ ना ओना दियां बच्चियां अपने मुंडियां दे नल वियाओ सरकार फरमांदे ने ओना वास्ते ओना नल ताल्लुक तुहाडे वास्ते नाजायज भी है ते बुरा भी है खबरदार अपनियां धीआं ते अपने पुत्रां दियां शादियां ओना दे नाल नहीं जे करनिया निकाह नहीं जे करने फरमाया वला तुवारी फूहम अगर कोई ती पुत्र सहाबा दा गुस्ताख हो जाए उन्हों अपनी विरासत दे विचों हिस्सा नहीं जे देना अपनी मीरास विचों हिस्सा नहीं जे देना क्योंकि इस्लामी कानून दे मुताबिक ओए मोमिन बंदे दी विरासत विच ईमान वाले धीआं पुत्रां दा ही हक है ना बेईमाना दा ते हक नहीं हुजूर ने मुक दी गल मुका दित्ती फरमाया वला तुसल्लिमु अलैहिम अगर सहाबा दे गुस्ताख रस्ते विच मिल जावन उन्हां नूं सलाम करना बोलिए उन्हां नूं सलाम करना मैं नहीं पिया कहंदा आम इन्हां दे लाल पे कहंदे ने उन्हां नूं सलाम नहीं करना गुस्ताखाने अहले बैत तो असहाबे मुस्तफा नूं सलाम नहीं करना और मुकदी गल मुका दित्ती फरमाया वला तुसल्लु अलैहिम उन्हां वास्ते बख्शिश दी दुआ नहीं मंगनी क्योंकि बख्शिश ते मगफिरत उन्हां वास्ते ये ओ जिन्हां दे सीनियां विच आले नबी दा भी एहतराम है असहाबे नबी दा भी अदब है ते जेड़ा बंदा सहाबा दा अदब न करे बीबी फातिमा तु जहरा समेत नबी दियां तियां दा एहतराम न करे किबला साडा कुछ नहीं लगदा कई बंदे ना खाली जगह पूरा पे कर लियो मैं अनारकी फैलाना नहीं चाहता मैं फिरका वारियत नूं हवा देने वाली तकरीर करन दा आदी नहीं खाली जगह आपे पूर कर लियो कई बंदे कहंदे ने सुन्नी अगे खाली जगह भाई भाई सुनिया जे ना सुन्नी इमरान साहब समझ गए हो ना साडे बंदे नहीं मेरे ख्याल समझे सुन्नी अगे खाली जगह अगे भाई भाई नारा लाउंदे नहीं स्टेजां ते अपनियां किताबां च लिखदे ने सुन्नी खाली जगह भाई भाई ना ना ओ साडा कोई गुस्ताख अहले बैत ते कोई मुस्तफा दे सहाबा दा गुस्ताख ओ साडा भरा नहीं साडे भरा सुन्नी शेर जींदे रहण हाथ खड़े करके बोल ना यार ओ साडे भरा सुन्नी मावां दे सुन्नी पुत्र मर गए ने ओ साडे बाजू ए सलामत रहण ओ साडे ए वीर सलामत रहण सुन्नी मावां दे सुन्नी पुत्र सानू किसे गुस्ताखे आले रसूल ते गुस्ताखे असहाबे मुस्तफा किसे खारजी नासबी राफजी दी लोड़ नहीं ना असीं एवें प्यालियां पाने आ ते एवें प्यार दियां पींगां चढ़ने आ ना साडे सुन्नी वीरां नूं अल्लाह सलामत रखे ते मैं लिखी ऐ कैसे मैं जही रुस को भला भाई बना लो जिन्हां नूं अज दी तकरीर समझ आई एक बारी मुस्कुरा के कहने सुभान अल्लाह ते इस शेर नूं समझना वी है अमल भी करने कैसे मैं जही रुस को भला भाई बना लो हुण कोई बंदा उठ के आखे जी ओ आसिफ रजा ओहदा नाम वैसे आसिफ रजा अलवी लिखिया हुंदा है पर अली दा पुत्र या अली दा मानी होवे ते अबू बकर सिद्दीक नूं भौंक नहीं सकदा मैं ओनू आसिफ रजा सिर्फ ओहदा नाम इंज ही लैंदा हुंना मैं उस कज़ाब नूं कहना वा आसिफ रजा ओ झूठिया दौड़ क्यों गया है सामना ते करदा कम अज कम तेरी ते रिकॉर्डिंग वेखी है तू ते कहंदा सी मैं जिगर हथेली ते लैके गल पिया करना ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੈਕ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਸੁੰਨੀਓ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨੇ ਸਹਾਬਾ ਵਫਾਦਾਰਾਨੇ ਸਹਾਬਾ ਵਫਾਦਾਰਾਨੇ ਸਹਾਬਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਜਮਾ
हजे ते सुन्नी मावां दे सुन्नी पुत्रा ने काले कोट पा के हजे सुन्नी वकीलां ने तेरे ते मुकदमे नहीं कीते, हजे सुन्नी जज्जा ने फैसले नहीं सुनाए, हुणे ही नस गया है और हुणे ही तुड़कियां लग गईयां ने तेरियां। ते कल नूं कोई बंदा उठ के आखे जी आसिफ रजा ते जहीर शाह भरा भरा, ओए असीं नहीं ओह किसे कमीने नूं भरा बणांदे, ओह साडे सुन्नी भरा जीउंदे वसदे रहिण। कैसे मैं जहीर उसको भला भाई बना लूं, कैसे मैं जहीर उसको भला भाई बना लूं, भला भाई बना लूं। करता है सरे आम जो इनकार सहाबा, करता है सरे आम जो इनकार सहाबा, ईमान का मेयार है मेया, तू देख ले कुरान में किरदार सहाबा, तू देख ले कुरान में। वमा अलैना इल्लल्लाह।